आज हम लोग देखेंगे, आप लोगों को तो स्ट्रक्चर पता ही है क्या क्या एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखिए, पेपर वन मैथ रीजनिंग का क्लास हम करवाए थे, दो दिन क्लास, तीन दिन मैथ रीजनिंग चला। पेपर टू में पार्ट वन सबके लिए सेम है, सारे टेक्निकल अकाउंट मूवमेंट जनरल डिपो सब। आज हम पेपर ए से टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। तो कौन सा टॉपिक कराएंगे वो भी देख लेते हैं। पेपर पार्ट ए में आपको अगर दिख रहा होगा तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एमएसपी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था, और उस बार क्लास में जो एमएसपी से जो कुछ भी हम पढ़ाए थे टोटल मैच किया था। यहाँ तक कि जितना डेटा पूछा था वो सारा डेटा हम बता चुके थे। तो एमएसपी आज एमएसपी से आपका पूरा एमएसपी पूरा डिटेल में ही पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं, जितना आपको जरूरत है। बाकी बहुत कुछ तो आप लोग भी जानते हैं क्योंकि एमएसपी, चलिए एमएसपी का सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब पहले इसका इतिहास एक बार देख लेंगे हम लोग कि एमएसपी आया कहां से, एमएसपी से क्वेश्चन जो बनते हैं एमएसपी कहां से आया, एमएसपी कौन डिसाइड करता है, ये सब। उसके बाद कौन कौन क्वेश्चन पिछले बार आए थे वो भी बताएंगे आपको सेशन में, फिर एमसीक्यू पे बात करेंगे। देखिए पहले तो व्हाट इज एमएसपी, तो एमएसपी में अगर आप लोग को पता होगा कि 1960 में एक भारत में एक जबरदस्त फूड क्राइसिस हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत में 1960 में एक जबरदस्त फूड क्राइसिस हुआ था। वो जो फूड क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद, कमेटी बनाने के बाद, एक 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई जिसे आप लोग बिलोंग करते हैं, उसका स्थापना हुआ था। गवर्नमेंट सेट किया था इसको, ठीक है। कब किया था? किया था 1965। उसमें भी आप लोग को पढ़ना है, वो तो जब एफसीआई पढ़ाएंगे, एफसीआई एक्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे भी इसका चर्चा होगा, डिटेल चर्चा होगा एफसीआई एक्ट में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि 1965 में एफसीआई का स्थापना हुआ था। एफसीआई का आप ही लोग से हम पूछते हैं, आप लोग एफसीआई में वर्क करते हैं, एफसीआई बनाने का मेन मकसद क्या था, मेन मोटो क्या था, ये बताइए। फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सर नहीं, स्टोरेज सर, फूड का स्टोरेज नहीं, बताइए आप लोग मेन मोटो एफसीआई बना था। गवर्नमेंट सर, बिल्कुल सही जवाब। क्या है इसका आंसर? रिक्रूटमेंट, ठीक है, यानी कि खरीद। माइक ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, बोल के आंसर माइक ऑफ कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एफसीआई का, जब एफसीआई सेटअप हुआ था उसका मेन मोटो था, जो जिस पे गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस था, वो था किसान से अनाज का खरीद। ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, आखिर 1960 के बाद सरकार को सबसे स्टोरेज का इशू नहीं था,
पीडीएस का भी इशू नहीं था, भले सबको ना मिले, पीडीएस सही से ना चले, बट फाइल में जा रहा था, पीडीएस हो रहा था। लेकिन सबसे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रहा था कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब कोई फार्मर अन्न उपजा रहा है तो उसको सही रेट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डीमोटिवेट, बहुत लोग खेती छोड़ रहे थे। तो ये सब देख के फाइनली एफसीआई का मेन मकसद यही था कि सही रेट पे आप फार्मर से खरीद कर सके, एफसीआई का मेन मकसद यही था। बाद में आप इसको बोल सकते हैं, बाद में पीडीएस आया, उसके बाद में फूड सिक्योरिटी, ये सब जो ये बात की बात है, ये समय समय के बाद बदलता रहा, अभी तक चल ही रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि 1960 में गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि अगर फूड क्राइसिस हुआ है तो मेन प्रॉब्लम कहां पे था। तो यहां पे 1965 में एफसीआई बना, और एमएसपी तो जब खरीद होगा, किसान किस रेट पे आप किसान से लेंगे इसके लिए एक रेट तय होगा, वही रेट को क्या बोला जाता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब सामने आया तो ये भी सामने आया कि इसको आखिर कौन डिसाइड करेगा। तो उस समय 1965 में एग्रीकल्चर प्राइसेस सेटअप किया गया, कब किया गया, 1965 में, जो बाद में आप इसी को, बाद में हम लोग इसी को सीएसीपी बोलते हैं। सीएसीपी का फुल फॉर्म भी हम आप लोग जानते होंगे, बताइए सीएसीपी का फुल फॉर्म। आप लोग को तो पता होना चाहिए, बताइए सीएसीपी। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सर। बिल्कुल सही है, यही तो सीएसीपी ही तो आगे जाके जो आपका एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन का नाम आगे जाके सीएसीपी कर दिया गया। ठीक है, आगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसका मेन क्या था, मेन देखिए, द मिनिमम गारंटी प्राइस आर फिक्स्ड टू सेट अ फ्लोर बिलो द व्हिच मार्केट प्राइस कैन नॉट फॉल, द वन प्राइस पॉलिसी इज फाइनल सेट अराउंड 1974-1976। एमएसपी 1965 में सब कुछ हो गया, सब कुछ बना दिया, लेकिन इसको टेप में लाते लाते थोड़ा समय लगा। असल में ये 1974 से 1976 के बीच में एमएसपी सही से वर्क करने लगा। अब इसका जो मेन एडवांटेज क्या था, एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस टू गिव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनटू द एग्रीकल्चर सिस्टम। सर ये आलोक जी की माइक बंद करा तो ये माइक बंद कर दीजिएगा, एक बार आ। तो एमएसपी जो इंट्रोड्यूस हुआ था फाइनल स्टेबिलिटी के लिए, साथ में प्रोडक्शन, किसान प्रोडक्शन करे, अगर सही दाम मिलेगा तभी तो कोई उपजाएगा। मान लेते हैं कोई खेती कर रहा है और उसको पता है कि उसका पूरा जो कॉस्ट है पर क्विंटल वो 1500 का है और उससे खरीदी हो रही है 1300 में पर क्विंटल के हिसाब से, तो कोई किसान क्यों करेगा खेती, कोई फायदा नहीं, पूरा समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, पेट्रोल, डीजल, सीड, फर्टिलाइजर सब बर्बाद, आप 200 रुपया के लॉस में कौन करेगा खेती। तो यही सब चीज सरकार के दिमाग में था कि भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी अगर हम इसको इनकर्ज नहीं करेंगे तो फिर आगे जाके और दिक्कत होगा। आइए अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा यह है कि एमएसपी कितने कमोडिटीज को कवर करता है। ठीक है, आप लोग भी जानते ही होंगे। अब एमएसपी 22 मैंडेट, ठीक है, क्रॉप को कवर करता है, साथ साथ इतने को तो मिलता है एमएसपी, इसके साथ साथ एक सुगर केन को, सुगर केन को एफआरपी मिलता है, एफआरपी, ठीक है, ये याद रखिएगा, एफआर
एमएसपी, 22 को एमएसपी और एक को एफआरपी, ठीक है। उसमें 7 क्रेल्स है, 5 पल्स है, 7 वाइल्ड सीड है और 4 कॉमर्शियल क्रॉप, टोटल 22 प्लस एक एफआर, ठीक है, और टोटल 23 कमोडिटी आता है। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, पीडीएफ दे ही देंगे। क्वेश्चन आया है एपीएससी एग्जाम में, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। डिसाइड कौन करता है, एमएसपी को कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस एमएसपी, याद रखिएगा, अनाउंस एमएसपी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको सीएसीपी कहते हैं। दो चीज है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनाउंस कौन करता है, तो अनाउंस हमेशा करेगा, पावर किसके पास है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करेगा, और किसके रिकमेंडेशन पे, अपने मन से कुछ अनाउंस नहीं कर देगा, वो जो रिकमेंडेशन हर बार मिलता है वो रिकमेंडेशन किसके रिकमेंडेशन पे, सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे ही वो अनाउंस करेगा। दोनों चीज अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए दोनों चीज हम डिटेल में आपको समझा दें। अगला है, दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अब एमएसपी क्या है जान लिए, अब एमएसपी कब आया पता चल गया, ये भी हमको पता चल गया कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है, ये भी पता चल गया। लेकिन एमएसपी जो रिकमेंडेशन सरकार को देती है वो किस बेसिस पे देती है, कौन सा मेथड होता है, मेथड को ध्यान से समझना है। मेथड से 2 क्वेश्चन आया था, सिर्फ फुल फॉर्म जान लेने से कुछ नहीं होगा, मेथड को बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। चलिए, पहला मेथड है कॉस्ट ए टू। देखिए, कॉस्ट ए टू सिंपल भाषा में ये समझिए कि कोई किसान है, जब किसान खेती किसी भी चीज का खेती स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, सबसे पहले सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फिर उसको सिंचित करने के लिए पेट्रोल डीजल, ट्रैक्टर के लिए पानी, लेबर, ये सब कुछ चाहिए किसान को इनिशियल फेज में, जब वो प्रोडक्शन के मतलब स्टार्टिंग करता है। तो कॉस्ट ए टू आपको वही बताता है, कॉस्ट ए टू क्या बताता है कि जितना भी स्टार्टिंग का पैसा है जो किसान इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इनपुट, उसको क्या बोलते हैं इनपुट, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं इनपुट, ठीक है। जो भी पैसा लगा रहा है अपने खेती में उसको क्या बोलते हैं इनपुट। दीज आर द कॉस्ट ऑफ द फार्मर एक्चुअली पेज आउट ऑफ ईच हर पॉकेट फॉर बाइंग वेरियस इनपुट एंड लेबर्स। क्योंकि बहुत जगह आप ये भी देखे हैं कि खेती में लेबर का भी यूज होता है, तो लेबर का कॉस्ट भी उसमें आप ऐड कर दीजिए। तो इनिशियल फेज में जो भी पैसा किसान का लगा उसी को बोलते हैं कॉस्ट ए टू। अब कॉस्ट ए टू और कॉस्ट एफ एल में क्या अंतर है, कॉस्ट ए टू तो आपको पता है कि ये है कॉस्ट ए टू, इतना तो समझ गया, इनपुट है किसान का जो इनिशियल पैसा लगा है उसको कॉस्ट ए टू बोलते हैं। लेकिन एफ एल क्या है, एफ एल का मतलब होता है कि जो भी फैमिली लेबर्स, एफएल का मतलब फैमिली लेबर्स, क्या होता है कि हम लोग जो ये इनपुट है, ये जो मेथड नंबर 1 में, इसमें एफएल नहीं काउंट होता, इसमें एफएल काउंट नहीं होता, उसके लिए अलग मेथड बनाया गया। होता क्या है कि एक फैमिली में 20 मेंबर है, अब जब वो खेत में जा रहे हैं तो 20 मेंबर में वो किसी को रखते नहीं, लेबर रखते नहीं, और 20 में से 18 लोग जाके लेबर के जगह खुद काम करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फैमिली लेबर, ठीक है। तो मेथड में ये भी देखा गया कि भाई इसमें तो हुआ कि बिना, इसमें लेबर का कॉस्ट जोड़ दिया गया लेकिन इसमें फैमिली लेबर ऐड नहीं किया, क्योंकि फैमिली लेबर को हम लोग पे नहीं करते हैं, हम लोग पे नहीं करते हैं, ठीक है, सरकार का ऐसा मानना है उस रूल, उस मेथड में।
लेकिन उसके लिए एक और मेथड लाया गया कॉस्ट ए टू प्लस एफ एल, इसमें कॉस्ट ए टू इनपुट वाला खर्च प्लस एफ एल आपका फैमिली लेबर वाला खर्च, ये दोनों को जोड़ दिया गया, इसमें और कुछ नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। नहीं सर, ठीक है। बस दो लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट सी टू। सी टू का मतलब क्या होता है ना, सी यहाँ पे दो बार यूज हुआ, दो सी हुआ इसलिए सी टू, इसको कंप्रेहेंसिव कॉस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है इंप्यूटेड कॉस्ट लेबर, फैमिली लेबर दोनों। अब इसमें अलग क्या होता है, एक चीज तो समझ गए कि फार्मर का इनिशियल पैसा जो लगा वो इनपुट का लाया, दूसरा समझ गए कि फार्मर अगर फैमिली लेबर यूज कर रहा है तो एफएल सेकंड मेथड में हुआ। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि मान लीजिए कि आप कोई जमीन खरीदे, खेत खरीदे, ठीक है, बैंक से लोन लिए हैं, आपको उसको इंटरेस्ट देना है, तो सरकार वो भी कंसीडर कर रही है कंप्रेहेंसिव कॉस्ट में, वो भी खर्च को इंक्लूड कर रही है कि अगर आप खेती का जो जमीन है आप कहीं से लिए हैं या उस पर कर्ज लिए हैं, उस पर आप पैसा आपको देना पड़ रहा है बैंक को, तो वो भी कॉस्ट वो इंक्लूड कर रही है, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेहेंसिव कॉस्ट यानी कॉस्ट सी टू। ये क्या होता है, ये इंप्यूटेड कॉस्ट तो हो गया, फैमिली लेबर भी हो गया, इंप्यूटेड रेंट भी हो गया ऑफ ऑन लैंड एंड इंप्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट वाला भी हो गया। ये तीनों मेथड है एमएसपी डिसाइड करने का, लेकिन आप लोग में से बताइए कि तीनों मेथड में से कौन सा मेथड से एमएसपी डिसाइड होता है। C2 plus FL यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही पूछा गया था 2023 के एग्जाम में। देखिए 2004 में स्वामीनाथन कमीशन आया था, 2004 में स्वामीनाथन कमीशन आया था और उनका ये रिकमेंडेशन था कि कॉस्ट सी टू के थ्रू ही एमएसपी डिसाइड हो। क्योंकि अगर इसके थ्रू होगा तो फैमिली लेबर जो यूज करता है उसको तो जीरो पैसा, उसको तो लॉस हो गया। इसके थ्रू अगर डिसाइड होगा तो जो लोग बैंक से लोन लेके खेती कर रहे हैं उनको लॉस हो जाएगा। यानी अगर इसके थ्रू डिसाइड होगा तो किसी को कोई लॉस नहीं होगा। तो भारत में कॉस्ट सी टू से ही डिसाइड होता है एमएसपी एज पर स्वामीनाथन जो रिकमेंडेशन था उसी के बिहाफ। कोई दिक्कत है तो पूछिए। तो सर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा? अरे क्वेश्चन और इसका एग्जैक्ट तो... इसका एग्जैक्ट आंसर फिर क्या लिखेंगे सर? इसका एग्जैक्ट आंसर कि मतलब किस देखिए पहला क्वेश्चन आएगा, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि एमएसपी डिसाइड कौन करता है। तीसरा क्वेश्चन आएगा एमएसपी अनाउंस कौन करता है। चौथा क्वेश्चन आएगा आपका ये एमएसपी से पूछेगा तीनों मेथड के बारे में, इनमें से कौन सा मेथड है या इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि एमएसपी डिसाइड किस मेथड से होता है, आपका आंसर वो होगा C2। उसके बाद पूछा जाएगा स्वामीनाथन रिकमेंडेशन के बारे में, तो उनके रिकमेंडेशन में कौन सा मेथड के बारे में बोला गया था C2। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा जो सबसे ज्यादा आया था, पूरा लिस्ट आपको रटना पड़ेगा और वो उस लिस्ट से 6 क्वेश्चन आया था एमएसपी से, ऑल 4 यानी कि जनरल, डिपो, मैनेज मूवमेंट, आपका अकाउंट, सब में वो क्वेश्चन भर भर के आए थे, ठीक है।
और सबका डेटा आपको याद करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा डेटा आइए देखते हैं, करंट एमएसपी रेट, ठीक है। आप पहले तो खरीफ का देख लेते हैं, पहले खरीफ का देख लीजिए सर। इसका पीडीएफ शेयर करेंगे ना सर? बिल्कुल करेंगे, पढ़ाएंगे तो सारा पीडीएफ शेयर होगा, निश्चिंत रहिए। आपको कुछ लिखने का नहीं, मतलब हाँ लिखने की जरूरत इसलिए पूछ रहा था, नहीं लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसमें से आपको जो दिख रहा है ना, इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन आया था, टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसमें से टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन। अब इसको रटना पड़ेगा, ठीक है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब ये रटना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें से हम शॉर्ट लिस्ट करें, उसमें से एक बार हम गलती से शॉर्ट लिस्ट, बहुत लोग बोले सर इतना याद करना मुश्किल है, तो उस बार हम गलती से शॉर्ट लिस्ट करने का कोशिश किए थे, शॉर्ट लिस्ट में एक छूट गया, बाद में हमको बहुत कुछ सुनना पड़ा था। इस बार हम शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक ये याद कर लीजिएगा, दूसरा रबी वाला याद कर लीजिएगा, 23-24 का ही सर, 22-23-24 दोनों याद करना है, दोनों याद करना है, क्वेश्चन दोनों से पूछा गया था, हमको भी आश्चर्य हुआ, लेकिन अब जो है सो है। वृद्धि पूछा था सर कि पिछले एमएसपी से इस बार एमएसपी में कितना वृद्धि किया गया था? हाँ, 104 रुपया, 204 रुपया, ये आपको दोनों डेटा याद रहेगा तो ही आप माइनस कर सकते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं 22-23 और 23-24 दोनों आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। हम कुछ कितना भी आप लोग बोल लीजिए, हम कुछ गेस नहीं करने वाले हैं, ये गारंटी है कि इसमें से 6 क्वेश्चन आपको लिख के हम दे देते हैं, 6 क्वेश्चन एमएसपी से, सिर्फ 6 क्वेश्चन, सिर्फ एमएसपी टॉपिक जितना आज पढ़ा है इससे 6 क्वेश्चन आपको आएंगे, ये गारंटी है। सर एमएसपी फसल का एमएसपी कब तय की जाती है सर? हाँ अभी आ रहे, उसी पे आ रहे थे, अभी उसी पे आ रहे थे, स्वाइन सीजन के बारे में अभी हम बताने ही वाले थे, ये भी आप लोग सीख लीजिए। सर एक जो गवर्नमेंट कहती है कि हम 1.5 गुना करेंगे एमएसपी का, वो थोड़ा सा हम समझाइए सर। 1.5 गुना करेंगे किस चीज का? हम तो सुने एमएसपी का 1.5 गुना, एमएसपी को 1.5 गुना करेंगे जी, वो कैसे बताते हैं सर? ये तो हमको भी नहीं पता है, 1.5 गुना, ये एक ड्राफ्ट आया था लेकिन उस पर तो कोई चर्चा हुआ नहीं, वो अभी उस पर कोई, मतलब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, एक ड्राफ्ट आया था लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, और 1.5 गुना के बारे में नहीं था, 1.5 गुना से कम ही था, और वो भी था उसमें बोला गया था कॉस्ट, आपका जो जो मेथड था उस मेथड में ही बोला गया था कि एक्चुअली क्या है ना कि एक चीज आप लोग देखे हैं, ये जो चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, आखिर अभी भी कुछ कुछ मतभेद एमएसपी पे क्यों है बताइए, ध्यान से चार्ट को देखिए, इसमें कुछ मतभेद दिख रहा है सर, कोई कोई क्रॉप में ज्यादा वृद्धि हुई है, किसी में कम हुई है, ये तो ये वाला तो कुछ ठीक है, अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, आखिर क्यों सरकार इस पे चर्चा करती है, आखिर क्यों दिक्कत होता है किसानों को, ये चार्ट बढ़िया से देखिए और बताइए। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, अब देखिए किसी किसी में इसका डिफरेंस बताइए हमको कितना का हो गया। अब इसमें होता क्या है, जो किसान
लगभग 700। अब जो किसान इसका खेती नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या होता है ना कि कुछ कुछ मल्टीपल सीजन में मल्टीपल लोग खेती करते हैं, लोगों को अफसोस हो जाता है, अरे मूंग का कर लेते तो इस बार पैसा अच्छा मिलता। ये अब होता है क्या कि मूंग का कॉस्ट हो या किसी भी कॉस्ट हो, जो एमएसपी कैलकुलेट था, जो डेढ़ गुना के बारे में आपको हम बताए एक सेकंड, इसमें बोला गया था कि जो सीएसईपी था वो बोला क्या, डायरेक्ट जो कॉस्टिंग आता है ना उसको हम डेढ़ गुना के हिसाब से एमएसपी डिसाइड कर देंगे, फॉर्मूला लागू कर देंगे। लेकिन अभी इस पे सिर्फ ड्राफ्ट बना है, चर्चा अभी नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी भी आंसर आपका वही सीटू ही होगा। डेढ़ गुना पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका चर्चा हुआ था, होने वाला है, ड्राफ्ट बना है, तो डेढ़ गुना फॉर्मूला, ये भी इनिशियल कॉस्ट पे, यानी किस पे, जो आपका इनपुट वाला सेक्शन है उस पे डेढ़ गुना बोला गया है, ठीक है। तो इसमें डेढ़ गुना इसलिए बोला गया कि आप उसी पे, मतलब फाइनल फैमिली लेबर वाला को भी हटा दीजिए, कॉस्ट टू भी हटा दीजिए, उस पे ही बोला गया, इनिशियल कॉस्ट पे यानी इनपुट पे ही डेढ़ गुना लागू कर दीजिए। लेकिन अभी सिर्फ ड्राफ्ट बना है, इसके बारे में डिटेल चर्चा अगर होगा तो फिर किया जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है कि जो खरीफ का एमएसपी कब डिसाइड होता है, तो ये जो खरीफ का एमएस स्वाइन सीजन जिसको बोलते हैं खरीफ के लिए, ये जून में डिसाइड हो जाता है, ठीक है। और आपका जो रब्बी है, रब्बी इधर लिखे थे ना, रब्बी फसल जो है ये आपका डिसाइड होता है, रब्बी फसल अक्टूबर में। ये दोनों याद रखिएगा, ये उस समय डिसाइड हो जाता है। अब इस पे हम एमसीक्यू, अच्छा एक चीज बताइए, एचडब्ल्यू है, सब लोग ऐप पे हम डाले हुए हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए हैं पेड वाले में, तो उन लोग को भी मिल गया है, तो आप लोग उसको बनाइएगा। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है कि वो हम पीडीएफ दे दिए और आप बना लिए तो फिर उसको डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन आया हुआ था कुछ लोगों का कि सर ये नहीं बना वो नहीं बना, तो उसका सेशन हम लोग अलग रखेंगे, जिस दिन थ्योरी क्लास कराएंगे अगला दिन उसका एमसीक्यू कराएंगे, उसी में सारा जो भी डाउट रहेगा एक साथ ही हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब एमएसपी पे जो एमसीक्यू है कल आपको मॉर्निंग में ऐप पे मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब इतना जितना हम बताए हैं उसी बेस पे एमसीक्यू हम देंगे आपको। एक बार हम फिर से शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, ठीक है। तो एमएसपी क्या है, एमएसपी क्यों जरूरत पड़ा, तो देखिए भारत में 1960 में एक फूड क्राइसिस आया था, उसमें 1965 में सरकार को लगा कि एक खरीदने के लिए जो हमारे किसान है उनसे सही रेट पे खरीदने के लिए एक एजेंसी होना चाहिए, तो एफसीआई का स्थापना हुआ था 1965 में, और उसको एमएसपी डिसाइड करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन लाया 1965 में, और बाद में इसी का नाम सीएसीपी रखा गया। और इसका मेन मकसद था कि सही रेट पे किसानों से उनके अनाजों को खरीदा जा सके, ठीक है, एफसीआई का भी वो मेन मोटो था। बाद में जब आप क्रॉप कवर के बारे में बात करेंगे तो टोटल 23 कॉमोडिटी उसमें आते हैं, जिसमें 22 मैंडेट है और एक एफआरपी, 22 पे एमएसपी, एक पे एफआरपी, एफआरपी सुगर केन पे होता है, ठीक है, और बाकी 22 जिसमें 7 क्लीस है, 5 पल्स है, 7 वाइल्ड सीड है और 7 कमर्शियल क्रॉप, ये आपका 22 हो गया, एक आपका सुगर केन पे एफआरपी लगता है। क्वेश्चन आया है कि सुगर केन पे एमएसपी लगता है कि एफआरपी लगता है, ये याद रखना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डिसाइड कौन करता है, तो देखिए ये एक कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करता है एमएसपी, लेकिन खुद अपने मन से नहीं करता है, वो जब भी करेगा तो वो रिकमेंडेशन जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जिसको सीएसीपी बोलते हैं, इसी के रिकमेंडेशन को वो सिर्फ अनाउंस करेगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है। दूसरा बात है कि मेथड क्या है, तो देखिए कॉस्ट ए टू में अभी आपको समझा है
कि किसान का इनिशियल पैसा, जो इनिशियल पैसा लगा है, जैसे उसका उसका फर्टिलाइजर है, सीड है, लेबर है, ये सब पैसा जो कोई भी आप जब करते हैं, खेती करते हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं इनिशियल फेज में, तो वो सब कहलाता है कॉस्ट ए टू, यानी कि इनपुट, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट कहलाता है, जो भी खर्च हुआ उसको इनपुट बोलते हैं, तो कॉस्ट ए टू में वो आ गया। अब कॉस्ट ए टू प्लस एफ एल, कॉस्ट ए टू एफ एल होता है फैमिली लेबर, यानी कि किसी फैमिली में 20 आदमी हैं तो वो लेबर नहीं लगाते, वो खुद लग जाते हैं, तो उसके लिए सेकंड मेथड लाया गया कॉस्ट ए टू प्लस एफ एल, यानी कि इसमें आपको कॉस्ट ए टू इनपुट वाला खर्च तो है, साथ साथ एफ एल भी जोड़ दिया गया कि कोई फैमिली लेबर में है, यूज कर रहा है, तो उसको भी कंक्लूड किया जाए। उसके बाद कॉस्ट सी टू, अब कॉस्ट सी टू में सब मान लेते हैं कि आप कोई लोन लेके कोई जमीन खरीदे उसमें खेती कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट उसका तो सरकार आप दे रहे हैं बैंक को, तो वो भी कंप्रेहेंसिव कॉस्ट सी टू में इंक्लूड किया गया, रेंट इंक्लूड किया गया, इंटरेस्ट इंक्लूड किया गया, बाकी तो फैमिली लेबर और इनपुट कॉस्ट तो उसमें था ही। और यही मेथड नंबर थ्री से ही, क्योंकि 2004 में स्वामीनाथन जो कमीशन था वो बताया था, सिफारिश किया था, रिकमेंडेशन दिया था कि कॉस्ट सी टू से ही आप निर्धारण करें एमएसपी। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपको ये लिस्ट याद करना पड़ेगा, करंट 2022 23 और 23 24 से क्वेश्चन आएगा, ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। ये भी पूछा जा सकता है खरीफ जो फसल है वो उसका एमएसपी कब डिसाइड होता है, तो जून में डिसाइड होता है, रबी अक्टूबर में होता है, ये दोनों चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, दोनों से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एमएसपी टॉपिक से आपको उस बार भी आए थे, इस बार भी उतना ही क्वेश्चन आने का संभावना है, ठीक है। तो उसके बाद कल हम लोग मिलेंगे, इसका एमसीक्यू आप लोग बना लीजिएगा, बैंकिंग ब्लॉग ऐप पे होगा, ठीक है, 8:30 में कल हम लोग अगला टॉपिक इसी का, कल हम लोग एक एक्ट पढ़ेंगे, कोई भी एक एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो अभी बताइए, हम समझा देते हैं फिर से। सर थोड़ा कल का क्लास डाल दीजिएगा, सर कल का क्लास डाल दिए, अपलोड हो गया, अभी हम देख रहे हैं उसको, अपलोड हो गया, बस कुछ ही सेकंड में आपको दिखना स्टार्ट हो, नहीं तो हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। सर वो सी टू में एक लिखा है इंटरेस्ट ऑन ओन लैंड, उसका मतलब क्या? इंटरेस्ट वही 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 बताएं, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, हाँ देखिए ये यहाँ पे जो हुआ इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑन लैंड, इम्प्यूटेड रेंट का इस्तेमाल किया गया। अब जैसे क्या होता है कि आपके आप लोग गांव में होंगे, अगर कनेक्टेड होंगे तो मतलब मेरा आपका कोई खेत है जिसमें आप खेती कराना चाहते हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, तो आप किसी को देते हैं करने के लिए, किसी को देते हैं करने के लिए, तो आप उसको पैसा देते हैं कि उससे पैसा आप लेते हैं? आप आपका अपना जमीन है और आप उसको दिए कि हम तो नहीं कर सकते, तुम खेती करो, उसका दो तीन तरीका होता है खेती करवाने का, ठीक है, शेयर पे होता है जो आपका वो सारा खर्च उसका होता है, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसमें से शेयर पे होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो वो जो आदमी खेती किया उसका उसके नजर से इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑन लैंड, ठीक है, आप भी अगर खेती करते हैं तो आप अगर कहीं से लोन लिए या किसी को पैसा देना है उस लैंड का, तो आपका तो वो पैसा गया ना, तो वो खर्च में ही, इनपुट खर्च में ही ना जाएगा, वो तो कॉस्ट तो गिरेगा उसी में। आप टोटल मान लेते हैं आपका पर क्विंटल 1500 खर्च है, आपको 300 रुपया देना है, उस पर रेंट देना है, तो आपका टोटल खर्च तो 1800 होगा, तो 1800 ना काउंट कीजिएगा, 1500 तो काउंट नहीं होगा, अब 1800 काउंट कीजिएगा, आपको मिलेगा सरकार की तरफ से पर क्विंटल 1600, तो आपको तो लॉस है। तो वही चीज बताया गया कि अपना जमीन हो, अपने जमीन पे आप खेती कराते हैं, जो तीसरा बंदा करता है उसको भी रेंट एक तरह से लगता है, आप जो शेयर 50% आपको देता है तो 50% तो उसका भी गया ना, तो एक तरह से वो भी रेंट दिया आपको, तो ऑन लैंड पे भी हो सकता है, और या आप कहीं से बैंक से लोन लेके लेते हैं, आप अपने खुद इंटरेस्ट उसका हुआ, ठीक है। कल हम लोग एक्ट करेंगे,
और कोशिश कीजिए आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाइएगा, कुछ कुछ लोग 9 बजे भी आते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा क्योंकि हम टाइम